हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे 16 मार्च के करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जितने भी क्विज के क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा खुद का नहीं है। जैसे ओडिशा का एग्जाम हुआ था ओपीएससी का, जैसे कि तेलंगाना में हाई कोर्ट कॉपियर का एग्जाम हुआ था, या जो दूसरे एग्जाम हैं, तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम से लिए गए हैं। तो देखते हैं आप कितने कर पाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 में मनाया जाएगा किस देश में, यानी इसका मेजबान देश कौन सा होगा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो मेन इवेंट होगी वो किस देश में होगी? पहला मिडल ईस्ट का कंट्री यानी कि खाड़ी देश, पहला अरब कंट्री कौन सा है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर बना है, यानी FATF का मेंबर बना है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल रखा है? भारत के किस शहर की पुलिस की एक योजना है जिसका नाम है सुकन्या योजना? सुकन्या योजना में जो पुलिस है वो लड़कियों को, खास तौर पे उन लड़कियों को जो हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है, यानी अपनी रक्षा कैसे की जाए उसकी ट्रेनिंग देती है। भारत के कौन से घुड़सवार हैं जो ऑफिशियली पहले घुड़सवार बने हैं भारत के, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और हो सके तो यह भी बताइए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक जब अधिनियम बना तो उस अधिनियम की संख्या क्या थी? ठीक है, 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बिल पे जब लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर देती है और राष्ट्रपति दस्तखत कर देता है तब उसको एक्ट बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। तो विधेयक से वो अधिनियम बनता है, बिल से एक्ट बनता है। तो 124वां जो अमेंडमेंट बिल था जब एक्ट बना तो एक्ट की संख्या क्या थी? और ये वो था जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण देना। साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट भारत की पहली जो बनी है उसका नाम क्या है? ये साइबर क्राइम से बचाएगी। वैश्विक उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? दुनिया में कम मनाया जाता है और भारत में कम मनाया जाता है, हो सके तो दोनों बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ये कहां पे बना, किस शहर में बना? नेशनल फिल्म म्यूजियम भारत का पहला। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंसिग्निया देखेंगे तो उसमें कौन सा एनिमल प्रेजेंट है, RBI का जो लोगो होता है उसमें कौन सा एनिमल आपको मिलेगा? ऑपरेशन सेव कर्मा ये कौन से जानवर को बचाने के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन सेव कर्मा एक बहुत ही खास जानवर है जिसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व यानी सामुदायिक रिजर्व, संरक्षण रिजर्व जो बनेगा ब्लैक बक जानवर को बचाने के लिए, वो किस राज्य में बनेगा? ब्लैक बक जानवर जो है ये हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। दिलवारा मंदिर भारत के किस शहर में है? दिलवारा मंदिर। ये मूवी बनी थी अभी अभी छपाक, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एसिड अटैक जो विक्टिम है उनकी प्लाइट दुनिया के सामने रखी थी। तो छपाक मूवी की डायरेक्टर कौन है, इसकी निर्देशिका कौन है, किसने बनाई है ये फिल्म? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, ये भारत ने किस देश के सहयोग से बनाया था? भारत के किस राज्य की एक सरकारी योजना है जिसका नाम है उत्तरण योजना? उत्तरण योजना। 10,000 ऊंट उनको मार दिया गया किस देश में? अभी अभी ये ऊंट बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे तो पानी की कमी हो गई थी इस देश के एक एरिया में, तो उन 10,000 ऊंटों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये ऑपरेशन कहां पे हुआ था? 2019-2020 के लिए जो पेन गौरी लंकेश पुरस्कार है ये किसे मिला? साहित्यकार को मिलता है, साहित्यकार को नहीं मिलता, ये पत्रकार को मिलता है, जो पत्रकार बहुत बहादुर होता है उसे मिलता है ये गौरी लंकेश पुरस्कार। शेर शाह सूरी का मकबरा ये बिहार के किस टाउन में है, कहां मिलेगा बिहार में ये मकबरा? उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ये है आपका क्वेज आज का, और अब मैं आपको आंसर बताता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस का जो होस्ट कंट्री है इस बार वो है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया की मुद्रा है पीसो और कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। पहला अरब का देश जो FATF का मेंबर बना है वो है सऊदी अरब, सऊदी अरब, और रियाद है इसकी राजधानी, और
बस ये याद रखिए, रियाद इसकी राजधानी है, यहाँ पे G20 समिट भी होगा। सुकन्या योजना कोलकाता जो शहर है उसकी पुलिस ने शुरू करी है। इसमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी लड़कियों को। भारत के घुड़सवार जो हैं उनका नाम है फवाद मिर्जा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और टोक्यो ओलंपिक्स का वो क्या है नारा, जिसे बोलते हैं मोटो या ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाय इमोशन। AIIB का हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है और जिन लीकन ये प्रेसिडेंट हैं इसके। 124वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, जब ये अधिनियम बना तो ये बना 103वां संशोधन अधिनियम 103वां। पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट बना है, इसका नाम है आश्वस्त, गुजरात में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है और भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को होता है। तो याद रखिए 24 दिसंबर को होता है भारत में नेशनल कंज्यूमर राइट डे और दुनिया में होता है 15 मार्च को। नेशनल फिल्म म्यूजियम बना है मुंबई में, और आपको यह भी बता दूं मुंबई क्रिएटिव सिटी, यूनेस्को ने इसको क्रिएटिव सिटी कहा फिल्म्स के लिए, और हैदराबाद को भोजन के लिए कहा क्रिएटिव सिटी। टोटल 66 क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर किए थे यूनेस्को ने, दो भारत के थे, मुंबई और हैदराबाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उसमें जो एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाली बाघ। ऑपरेशन सेव कर्मा किस जानवर से रिलेटेड है, ये है टर्टल यानी कछुआ, कछुओं को बचाने के लिए। पहला जो सामुदायिक रिजर्व बनेगा संरक्षण रिजर्व ब्लैक बक के लिए, वो बनेगा अलाहाबाद यानी प्रयागराज में बनेगा। दिलवारा मंदिर मिलेगा माउंट आबू में, ये बेसिकली एक ही हिल स्टेशन है पूरे राजस्थान में, वो है माउंट आबू, और यहीं पे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, जिसको बोलते हैं गुरु शिखर चोटी भी माउंट आबू में है। छपाक मूवी बनाई है मेघना गुलजार। कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये रूस की मदद से भारत ने बनाया। उत्तरण योजना असम सरकार की योजना है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि असम सरकार कितने स्टेडियम बना रही है उत्तरण योजना के तहत, कितने स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए। 10,000 ऊंट मार दिए गए ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊंटों को मौत के घाट उतार दिया गया। पैन गौरी लंकेश पुरस्कार मिला है यूसुफ जमील को, इस साल के लिए मिला है यूसुफ जमील, कश्मीर के बहादुर पत्रकार हैं, पिछले साल मिला था रविश कुमार को। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये है बिहार के सासाराम में। लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में वो है 80। सो ये था हमारा क्विज, अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, यानी नदियों के हमें साफ करने के लिए कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है, और इस बार ये इसका 22वां संस्करण था। तो ये कहाँ मनाया जाता है, कब, 14 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है 14 मार्च को। और इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी महिला जल और जलवायु परिवर्तन, जिससे महिलाओं का जलवायु परिवर्तन को रोकने में जो योगदान है और जल संरक्षण में जो योगदान है उसको सराहा जा सके। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं नदियों की और उन सब की, तो दो नदियां न्यूज़ में आई थी, एक तो है मांडोवी नदी जिसको महादाई नदी भी बोलते हैं। यहाँ पे भारत का पहला फ्लोटिंग जेटी यानी तैरता हुआ जेटी। और दूसरा नदी जो आई न्यूज़ में वो है मीठी नदी, तो मीठी नदी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इसकी सफाई के लिए अभियान चलाया था महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये दो नदियां जो हैं ये न्यूज़ में थी। सरकार ने चार राज्यों में 7660 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी, ये घोषणा करी प्रकाश जावड़ेकर ने, पर्यावरण मंत्री हैं। तो हरित राजमार्ग भारत के चार राज्यों में बनेंगे, इनमें से कौन सा राज्य है वो नहीं है, उत्तर प्रदेश में बनेगा, राजस्थान में बनेगा, हिमाचल में बनेगा और आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो मध्य प्रदेश में नहीं बनेगा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये बनेंगे हरित राजमार्ग, ये जानकारी दी प्रकाश जावड़ेकर ने, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। डाना जातोपकोवा, इनका निधन हो गया, ये कौन सा खेल खेलती थी, देखो 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुए थे,
जिसमें भारत के केडी यादव ने पहलवानी में भारत को पहला इंडिविजुअल पदक दिलवाया था। इन्होंने कांस्य पदक जीता था पहलवानी में, केडी यादव ने। तो उसी ओलंपिक में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। भाला फेंक को बोलते हैं जैवलिन थ्रो। तो इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और ये चेक गणराज्य की थी, चेक गणराज्य की थी, डाना जातोपकोवा। 2020 के लिए गूगल पर संगीत में सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला कौन है? अगर आपसे पूछें गूगल पे संगीत के विश्व में, संगीत जगत में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन थी, तो आंसर है टेलर स्विफ्ट। गायिका है टेलर स्विफ्ट। अगर पूछे खेलों में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली गूगल पर महिला कौन थी, तो वो थी सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। अगर आपसे पूछे साहित्य के क्षेत्र में कौन थी, यानी लेखिका कौन थी, तो आंसर है टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये अभी अभी स्थापित किया गया है मणिपाल में। जो लोग नहीं जानते, मणिपाल है उडुपी जिले में और उडुपी जिला है कर्नाटक में। यहाँ पे मणिपाल में सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय भी है और ये बनाया है विकास खन्ना ने, जो बहुत मशहूर शेफ हैं। ये बना है वगशा कॉलेज में, कॉलेज का नाम है वगशा, जो होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, वेलकम ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। तो वगशा में डब्ल्यू जी है, वेलकम ग्रुप, तो डब्ल्यू जी एस एच ए ये पूरे इंस्टीट्यूट का नाम है, मणिपाल यूनिवर्सिटी के तहत ही आता है, विकास खन्ना के द्वारा बनाया गया है। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने मुर्गियों की कलिंग के निर्देश दे दिए? देखो लाखों मुर्गियां मार दी जाती हैं इसलिए, जिससे जो ये फ्लू है, जिसे बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू का साइंटिफिक नेम है एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये एक मुर्गी से दूसरे में ना फैले, इसके लिए लाखों मुर्गियां मार दी जाती हैं, ये निर्देश दिए हैं केरल सरकार ने। इसको बोलते हैं कलिंग, कलिंग मतलब होता है एक तरह से किलिंग, बहुत बड़े लेवल पे जब मारा जाता है तो उसको कलिंग कहा जाता है। और केरल और कर्नाटक इन दो जगह पे बर्ड फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा है। गंगा आमंत्रण अभियान ये एक खुला पानी राफ्टिंग और कयाकिंग अभियान है, यानी ओपन वाटर राफ्टिंग। एक खेल होता है राफ्टिंग, जिसमें एक नाव में बैठ के छोटी सी लोग जाते हैं और चप्पू चलाते हैं, और एक होता है कयाकिंग। तो ये किस जगह से और किस जगह के बीच आयोजित किया जाता है? याद रखिए, ये देवप्रयाग जो है वहां से गंगा सागर तक आयोजित किया जाता है। गंगा सागर ये सुंदरबन वाले एरिया में है बंगाल में, जहां पे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, और एक गंगा नदी का हिस्सा बांग्लादेश चला जाता है, जिसे पद्मा कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिए, देवप्रयाग जो है यहीं पे गंगा पहली बार बनती है, क्योंकि दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। तो यहां से गंगा सागर के बीच गंगा आमंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। एक बात बता दूं, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसको लॉन्च किया था पहली बार हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, मोबाइल फोन पर अब जीएसटी 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? मोबाइल फोन पे अब ये 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है जीएसटी। याद रखिए, ये मीटिंग हुई थी अभी अभी, 39वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें ये डिसीजन लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MEIS यानी भारत से व्यापारिक माल योजना को वापस लेने की मंजूरी दी, इसे किस योजना से प्रतिस्थापित किया जाएगा? अब MEIS की बजाय होगा रोड टैप, RODTEP, रोड टैप, और ये इसलिए होगा क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने कहा है, WTO के जो रूल्स हैं उनको मानेगा रोड टैप। WTO का मुख्यालय जनेवा में है, इसके महानिदेशक हैं रोबर्टो अजावाडो। किस देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए 1962 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय मदद मांगी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ईरान ने मदद मांगी है इस बार। ईरान में बहुत बुरा हाल है, इटली और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बुरा हाल ईरान का है। तो 1962 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ईरान को वित्तीय सहायता देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और इसकी महानिदेशिका है जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो बल्गेरिया की है। रियल में मोबाइल की कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रियल में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पहले बने थे 2 हफ्ते पहले सलमान खान पुरुषों में, सलमान खान, और महिलाओं में बनी है श्रद्धा कपूर। तो एक्टर सलमान खान
और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। इसके अलावा एक कंपनी है IQOO ऐसे लिखते हैं इसे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। इसके अलावा सलमान खान भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, भारत पे वॉलेट के। एकातरीनी सकेलारोपोलो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ये यूनान की बनी है, जिसे ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और सबसे पहले ओलंपिक खेल एथेंस में ही हुए थे। ग्रीस देश का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसको बोलते हैं, एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस। तो ओलंपस पर्वत कहाँ है? ग्रीस में। ग्रीस में मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो चलती है। और क्योंकि ओलंपिक्स की बात हो रही है तो ओलंपिक्स टोक्यो में होंगे। और सबसे पहली बार मशाल किसने इस बार जलाई? एना कोराकाकी ग्रीस की एक ओलंपिक चैंपियन है। ये पहली सबसे पहला मशाल को लेकर भागने का जो सौभाग्य मिला वो अन्ना कोराकाकी को मिला, याद रखिए। भारत ने किस बाढ़ प्रभावित देश को 600 टन चावल सौंप दिए? क्योंकि इस देश में बाढ़ बहुत ज्यादा है, खाने की कमी हो गई थी। ये है मादागास्कर। मादागास्कर को भारत ने 600 टन चावल दिए हैं। मादागास्कर की राजधानी है अंताना नारीवो। किस राज्य ने कौशल सतरंग, युवा हब और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजनाएं शुरू करी हैं? कौशल सतरंग ये है कि 2,00,000 बच्चों को रोजगार देना है। इसमें सहायता करेगा IIT कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। युवा हब भी वही है, रोजगार देना है, कौशल विकास करना है, इसमें हेल्प करेगा IIM लखनऊ। और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप में 6 महीने तक इंटर्नशिप आप कर सकते हो, 2,500 रुपये महीना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये करा है सब उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ट्री हॉपर एक ये जानवर है, ट्री हॉपर, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। इस प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है काई काई गागा। जानवर का नाम रखा गया है काई किया गागा, तो ये लेडी गागा जो सिंगर है उनके नाम पर रखा गया। इससे पहले एक जानवर है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के कि ग्रेटा थनबर्ग जो है कौन सा जानवर है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था? किस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए अधिकृत कर रही है? ये है महामारी रोग अधिनियम 1897 वाला, ठीक है, 1897 वाला एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। BCCI के कमेंट्री पैनल से किसे कथित तौर पर हटा दिया गया है? BCCI के कमेंट्री पैनल से संजय मांजरेकर को हटा दिया गया है, यानी संजय मांजरेकर अब आपको कमेंट्री करते हुए नजर नहीं आएंगे। और BCCI जो है इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15th मार्च को। और इस बार इसका जो थीम था वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर, और यानी कि सतत उपभोक्ता होना चाहिए। और यही दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। किस राज्य के भारतीय पर्वतारोही अमगोत तुकाराम, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोजियस्को उसकी चढ़ाई करी है। माउंट कोजियस्को की चढ़ाई अभी अभी भावना देहरिया इन्होंने भी चढ़ाई करी इसी पर्वत की। तो ये कौन से राज्य के हैं? अमगोत तुकाराम हैं तेलंगाना के हैं। और क्या आप बता सकते हैं भावना देवरिया कहाँ की हैं, कौन से राज्य की हैं? और तेलंगाना की एक और पर्वतारोही न्यूज़ में आई थी जिनका नाम है मालवत पूर्णा, कुछ याद आया 2 महीने पहले? तो कमेंट्स में लिख के ये भी बताइए कि मालवत पूर्णा ने ऐसा क्या किया था जो ये न्यूज़ में आई थी। खेल व्यवसाय के नेटवर्क आई स्पोर्ट कनेक्ट के अनुसार 2020 के लिए जो खेल होते हैं उनमें दुनिया में 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में एक ही भारतीय महिला है, वो कौन है? इनका नाम है नीता अंबानी। ये मुंबई इंडियंस जो टीम है IPL की उसकी ऑनर हैं, मुंबई इंडियंस की, तो ये भी याद रखिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य भी बनी है नीता अंबानी है। तो ये दुनिया की 10 सबसे प्रभावशाली महिला हैं खेलों में, नीता अंबानी। सो ये था हमारा 16 मार्च का वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं 17 मार्च के वीडियो में। देखते रहिए स्टडी IQ।